बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया राम धर्मपाल जी, बड़े जुझारू नेता है हमारे लिए। जब बोलते हैं तो सब कुछ ही ऐसा पूरा परफॉर्म करते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। और आज का ये प्रोग्राम हमारे बहुत ही राजकुमार शर्मा जी की अध्यक्षता में हो रहा है, तो कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे मित्र रत्नराम राणा जी अपने विचार रखें। राणा साहब धन्यवाद। अरोड़ा जी, आदरणीय आज इस सभा के अध्यक्ष, कार्यक्रम की आयोजक बैंक शारदा राठौर जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित बुद्धिगण, वैश्य प्रांगण में उपस्थित माताएं बहने दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जो सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आप सब कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, रीढ़ की हड्डी है, ये गौरव की बात है। कांग्रेस पार्टी क्या है, थोड़ा सा ये सोचने की बात है, समझने की बात है। कांग्रेस पार्टी देश के इतिहास की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, जिसने देश को आजाद करवाया, आजादी की लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी जिन्होंने कितने आंदोलन किए, सत्याग्रह किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए हैं, 9 बार वो जेल में गए, 3,259 दिन ये कुर्बानियां देकर देश को आजाद करवाया। और जब देश आजाद हुआ तो देश के पास कुछ नहीं था, मात्र गिने चुने सैनिक, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। तो हमारे नेताओं ने आदरणीय पंडित जी के जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में मेहनत की, काम किया, देश को आगे बढ़ाया। 60 वर्षों में देश ने सर्वांगीण विकास किया। आज देश हमारा विकास की ओर है। जितनी भी आज देश में सुविधाएं हैं, सुई से लेकर हवाई जहाज तक, इसरो से लेकर मेट्रो, जितनी भी आप देश में विकास की चीजें देख रहे हैं, ये सारी कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने ये विकास सब जाति धर्म क्षेत्र से उठकर देश के लिए, देश के नागरिकों को एक मानकर ये काम किया है। साथियों, इस समय ठीक है देश में कांग्रेस पार्टी का शासन नहीं है, लेकिन इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, मायूस नहीं होना चाहिए। कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पहले भी है, जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी तब भी एक बार सत्ता नहीं थी, राजीव गांधी जी थे तब भी नहीं थे, लेकिन जब जब ऐसा हुआ है, जब कांग्रेस पार्टी पलट कर आई है, तो 10 साल के लिए कम से कम कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। साथियों, बहुत सारी बातें हैं आज, कई तरह की भ्रामक प्रचार भी है, इन सब बातों पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। आप सबसे पहले अपने जिले फरीदाबाद को लीजिए। फरीदाबाद के अंदर जितने भी विकास कार्य है कांग्रेस के टाइम में हुए हैं, आज 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या कोई बता सकता है कि भी कौन सी नई पॉलिसी, कौन सी नई नीति, कौन से नए कार्य हुए हैं? जितने भी कार्य, चाहे वो मेट्रो की बात है, चाहे वो आज 80 की स्पीड में हम मथुरा रोड से गुजरते हैं, फ्लाईओवर की बात है, चाहे वो IMP की बात है। अभी 3-4 दिन पहले तो भाषण करते थे, भाषण में कहते थे कि कांग्रेस पार्टी ने मेडिकल कॉलेज दिया, ASI हॉस्पिटल